लग रहा है सारा दिन काम बेला ने किया, मैंने नहीं किया, थक वो गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज आप मेरे किचन में ही हैं, तो अब हम बनाते हैं शामी कबाब बोटी वाले। तो मैंने उसके लिए लिया है 2 किलो बीफ, और मैं नहीं चाहती कि बच्चे स्कूल में खाना जो लेके जाएं वो केमिकल वाला, डब्बों वाला फ्रोज़न फूड जो मिलता है। बहुत मजबूरी हो तो इट्स ओके, लेकिन आज मेरी इत्तेफाक से छुट्टी आ गई, लोकेशन का कोई मसला था तो वो अरेंज नहीं हुआ, तो मैंने आज पूरा टाइम बच्चों के लिए और ज़्यादातर किचन में और जो मेरे पेंडिंग काम थे वो किए। तो अब मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि मैं शामी कबाब बोटी के कैसे बनाती हूँ। जी, इसके लिए हमने लिया है 2 किलो बीफ बोटी, अदरक लहसुन, क्योंकि जब ये हम इसमें डालेंगे तो ये गल के पिस जाएगा, और थोड़ा खड़ा मसाला, ये मिक्स जो भी है, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, धनिया, ज़ीरा, और हम डालेंगे नमक ऑफ कोर्स। ठीक है, अब हम इसको, मैं चूँकि कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैंने लिया है तकरीबन 2 ग्लास के बराबर पानी, और ये जल्दी गल जाएगा। हाँ, मेन इंग्रेडिएंट तो मैं भूल ही गई, वो है जनाब चने की दाल। चने की दाल मैंने ली है तकरीबन 3 पाव, और मैं देखूंगी कि आधा किलो के बराबर हम डालेंगे, बाकी मैं फ्रिज में रखूंगी, वो हम कल बनाएंगे भुनी हुई मसाले वाली दाल। तो ये हो गए, अब इसमें हम डाल देंगे ये जो अदरक लहसुन हमने लिया है, और ये खड़ा मसाला, और नमक, तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। लेकिन अगर आप बेल डालें और उसके बाद चख के और डाल दें तो ये भी एक ऑप्शन है, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसको हम अच्छी तरह से बॉयल को बंद करेंगे, और जब आधा गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद हम कुकर खोल के उसमें दाल शामिल करेंगे, ताकि दाल ज़्यादा गल जाएगी तो फिर नीचे लगेगी। तो अभी तो इसको हम आधा गलाते हैं। बीफ जो है वो तकरीबन कुकर में 15 से 20 मिनट में गलता है, तो हम इसे 10 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद दाल डाल के 5-7 मिनट और रखेंगे, फिर हमारा मिक्सचर तैयार होगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे फिर मिलते हैं। जी, ये बॉईल हो रहा है, और ये जो इसके स्मोक ऊपर से निकल रहा है, इससे गोश्त की हीक निकल रही है। तो आई थिंक अब ये रेडी है कि हम इसे बंद करें और 10 मिनट छोड़ें। जी, तकरीबन 12 मिनट 12 से 13 मिनट हमें हो गए हैं। अब मैंने ये चूल्हा बंद किया, थोड़ा सेटल डाउन हो तो इसके जी गोश्त तो अभी नहीं गला, लेकिन इसमें अब हम दाल शामिल कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मैं अलफता से इस्लामाबाद से लेके आई थी कुकर, किसका है ये, किचन किंग का। मेरे तो हाथ जल गए, इसके हैंडल गर्म हो जाते हैं, सो डोंट बाय दिस। जी, वो कुकर बहुत बुरा था, मुझे चेंज करना पड़ा अपने पुराने कुकर में। मैंने गोश्त डाला, 15 मिनट इसे और रखा, उसके बाद जाके ये कहीं इस तरह से गला है कि ये अब 70% गल चुका है। ठीक है, ये तो अब मैंने इसमें शामिल की है दाल, और इसमें शामिल करूंगी ये 3 आलू, बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मज़ेदार भी तो हों। अब इसको हम फिर से बंद करेंगे 10 मिनट के, ताकि ये मिक्स हो के गल के अच्छी तरह से। जी, अब ये हमने धनिया, प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि उसमें हमने मिर्चें नहीं डाली थी, तो अब ये हरी मिर्च से उसको थोड़ा सा करेंगे, और
लीमू ख़त्म हो गया, मगर इसमें थोड़ी सी अगर खटास डाल दें तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। चल बस इसको अब हम देखेंगे, मसाला देख के कि ये काफ़ी है और ना इसमें प्याज और ऐड कर लेंगे, मिर्चें और ऐड कर लेंगे। बहुत अरसे बाद मैं शामी कबाब बना रही हूँ। ये बोटी के कबाब जो हैं ये मेरे ससुराल वालों की स्पेशलिटी है कि मुझे तो कीमे के ही कबाब बनाने आते थे। फिर एक दफ़ा हम गए ईद पे तो मेरे हस्बैंड की जो बड़ी बहन है उनकी तरफ, तो वहाँ मैंने कबाब खाए, मुझे बहुत मज़े के लगे, उसमें रेशा रेशा सा मुझे फ़ील हुआ। तो मैंने कहा ये कीमे के कबाब तो नहीं है, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये बोटी के कबाब हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं घर आई, जैसे ही मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली और फ्री टाइम मिला तो मैंने उसको इसी तरह से शामी कबाब की तरह बोटियों में दाल डाल के, आलू डाल के और उसमें ये इसी तरह से हरा मसाला डाल के थोड़ा उसको अच्छा चटपटा करके बनाने की कोशिश की। बहुत मज़े के बने। तो अब ये है कि ये बैच मेरा जो बन रहा है ये बच्चों के स्कूल के लिए बन रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि फ्रोज़न लग रहा है सारा दिन काम बेला ने किया, मैंने नहीं किया, थक वो गई है। तो बस ये स्कूल लेके जाएंगे और इनको पसंद भी आ जाएंगे। आज ईमान को सूप इतना अच्छा लगा जो हरीरा मैंने बनाया था, वो भी ईमान ने बहुत शौक से पिया और फरमाइश की है कि मैं जब मेरी ऑफ हो नेक्स्ट तो मैं फिर बनाऊँ, तो मैं फिर बनाऊँगी ईमान के लिए। तो अब हम इसे छोड़ेंगे 7 to 10 minutes जब कुकर हिलना शुरू होगा, और उसके बाद अगला प्रोसीजर तो बस मिक्स करने का और बनाने का है। थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डालेंगे, उसके बाद धना धन बना के फ्रीज करेंगे, ट्रे थैले में भरेंगे, उसको सील करेंगे, बैग्स बना के रख देंगे। जी ये मोटा मोटा सा हमारा पिस गया है और अब हम इसमें ये मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको कबाब के अंदर भी फिल कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से स्प्रेड होगा और पूरे कबाब में उसका टेस्ट आएगा। आपको जब ये बनाना है तो उस हिसाब से बनाना है कि पानी इसका ड्राई हो जाए, वरना फिर ये है कि दूसरा ऑप्शन होता है अंडे डालने पड़ते हैं उसको, वो बहुत ज़्यादा अगर ड्राई हो जाए या अगर बहुत थोड़ा सा वाटरी हो या ढीला हो तो उसमें आपको कॉर्न फ्लावर डालना पड़ता है। तो इसलिए अब ये ऐसे कबाब बन गए कि आप बग़ैर अंडे के भी फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे।
जी अब मैं आपको कबाब फ्राई करके दिखाती हूँ। तकरीबन 40 कबाब हमारे बने और इसमें अंडा नहीं मैंने लगाया क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, वो जब मैं चांपों पे लगाती थी तो हमेशा कहते थे बगैर अंडे के नहीं बन सकता, आप ट्राई करें देखें कितना मज़े का बनेगा। तो आई फिगर्ड ये देखें इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और अब जब ये गर्म हो जाएगा तो इसको हम फ्राई करें। आई एम गेसिंग कि तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं ईमान का बनाया हुआ कबाब फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले कौन सा निकाला था तवे से? आपको शेप से पता चल जाएगा, आपके वाला ही निकाला था। गरम है ये, मैं तेरे हद चुमा बहुत मज़े।